के घर की पहली मंजिल जो है वो पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। लोगों को यहाँ से रेस्क्यू तक किया गया है। लोगों का ये भी कहना है कि 1983 के बाद पोरबंदर शहर में इस तरीके के हालात खड़े हुए हैं। ये 48 साल बाद ऐसा तूफान आ रहा है जो कि एक दुर्लभ संयोग मौसम विभाग भी मानकर चल रहा है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में मतवाला मानसून ऐसा मदमस्त हुआ कि आधा हिंदुस्तान पस्त है। ब्रह्मपुत्र से अरब सागर तक अफलातून हो रही बारिश ने कहर बरपा रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो गुजरात के लोग हैं। गुजरात को मानसून के चौतरफा अटैक ने पस्त कर दिया है। गुजरात के तकरीबन 20 जिले बाढ़ बारिश का कहर झेल रहे हैं। आसमान से आफत बरसी है और गांव से लेकर शहर तक जल प्रलय जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। समंदर से उठ रही लहरें डरा रही हैं, तो वहीं आसमां तूफान भी तबाही लेकर आया। हालात ये है कि गुजरात में कई जिले टापू में तब्दील हो चुके हैं। बारिश और बाढ़ के चलते गाँव गाँव शहर शहर त्रस्त है। हालत ये है कि अगस्त में पस्त करने वाला बादल फाड़ गदर सितंबर में भी सितम ठाने को आतुर दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल है, गुजरात में इतनी बारिश क्यों हो रही है? क्या आसमान से प्रलय का संकेत आ रहा है? क्या मौसम अपना पैटर्न बदल रहा है? या गुजरात में ला नीना इफेक्ट भारी पड़ रहा है? गुजरात में क्लाइमेट चेंज की पूरी डिटेल बताएंगे, ला नीना और हिंदुस्तान में पैटर्न बदलते मौसम का कनेक्शन भी समझाएंगे, लेकिन पहले गुजरात से आई आसमानी आफत की तस्वीर देखिए। आप सोचिए, शहर का ये हाल है तो अगर पोरबंदर ग्रामीण में क्या हाल होगा, क्योंकि ग्रामीण में अगर हम माधवपुर और उसके आगे के सभी गाँव की बात करें तो वो इस वक्त पूरी तरह से प्रशासन से संपर्क टूट चुका है, क्योंकि कल तक तो सिर्फ इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, SDRF, NDRF, डिफेंस की सभी टीमें सिर्फ और सिर्फ सिटी में थी। आज सारी टीमें ग्रामीण इलाकों में गई है, तब जाकर ग्रामीण से कांटेक्ट अब प्रशासन का हो पाएगा। लगातार बारिश के चलते भादर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते पोरबंदर में बाढ़ आ गई। घर, मकान, दुकान सब पानी पानी है। निचले इलाके पूरी तरह डूबे हुए हैं। घरों में इतना पानी भर गया है, कहीं सामान बहता दिखा तो कहीं लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करते हुए नजर आए। रेस्क्यू टीमें भी एक्टिव हैं, लेकिन सवाल है कि किसे बचाया जाए और किसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा है जहाँ लोगों की जिंदगी पटरी पर नजर आ रही हो। इस वक्त हम पोरबंदर के खड़पीट एरिया में मौजूद है और पोरबंदर फायर की इस नाव में हम सवार है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहली मंजिल तक का पानी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भरा हुआ है। आप देखिए, पूरा एरिया, लोगों के घर की पहली मंजिल जो है वो पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। लोगों को यहाँ से रेस्क्यू तक किया गया है, लेकिन जिसके पास दो दो तीन तीन मंजिल के मकान है वो ऊपरी मंजिल पर अपना आसियाना बनाए हुए है। आप ये देखिए, पूरा का पूरा खड़पीट एरिया आपको सिर्फ नदी या समंदर बना हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, आप देखिए, ये एक मंदिर अब आ रहा है और मंदिर देखिए किस तरीके से पूरा पानी में डूबा हुआ है, नदी बना हुआ है। आप यहाँ पर अगर पानी का बहाव देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहाव तक आपको नजर आएगा। पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश के बाद लोग घरों में कैद हैं, लेकिन अब उनके सामने खाने और पीने के साफ पानी का संकट खड़ा हो रहा है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन के साथ कुछ NGO आगे आए हैं जो लोगों तक खाना पानी पहुंचा रहे हैं। कितने दिन हो गए? करीब 5वां दिन होगा ये पोरबंदर का आज। किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, कहाँ का, किस किस इलाके में? अब तक दो दो इलाके में बाढ़ का पानी आया, उस इलाके में से लास्ट 5 दिन से फुट तक दे रहे हैं। इंडियन रेस्को सोसाइटी और पायोनियर क्लब द्वारा फुट तक दे जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल के शुरुआत में ही संकेत दे दिए थे कि भीषण गर्मी के बाद इस साल मॉनसून अच्छा रहेगा,
बताया गया था कि इस मानसून में किसानों को फायदा होगा, किसानों के चेहरे खिल उठेंगे, अच्छी बारिश के चलते खेती और पैदावार अच्छी होगी। लेकिन क्या पता था इस बार मानसून में अच्छी बारिश और ज्यादा बारिश के बीच का फर्क खत्म हो जाएगा, जिसके बाद न खेत बचेंगे न खलिहान। अब जब ये पानी उतरेगा उसके बाद पता चलेगा कि उसकी खेती में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो पानी का बहाव जो है तेज होता आपको जो है वहाँ पर नजर आ जाएगा। ये पानी पहले जूनागढ़ से, पहले पोरबंदर से पानी इस तरफ बह रहा था, लेकिन अब जूनागढ़ और सोमनाथ से जो नदियों में से पानी छोड़ा गया तो वो पानी अब पोरबंदर की तरफ बह रहा है। यानी कि चौतरफा मार जो है यहाँ पर इस जिले में कहीं ना कहीं इस ग्रामीण इलाके में लोगों को पड़ी है, और अभी भी सड़कें जो है वो कहीं ना कहीं नदियाँ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी पानी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लोग किस तरह सफर कर रहे हैं, तो आप देखिए ये इस तरीके से मिनी टेम्पो ट्रैक्टर पीछे की तरफ आपको नजर आएगा, उसी के सहारे लोगों को जब अब पानी गांव में से उतरा है तब जाकर यहाँ पर अवर जवर शुरू हुई है। लेकिन कल तक यहाँ पर किसी भी प्रकार का आवागमन शुरू भी नहीं था। आज ये करीब चौथे दिन यहाँ से ये टेम्पो के जरिए जो है आया और जाया जा सकता है। कच्छ के ही मांडवी के हालात देखिए, समंदर से लगा ये इलाका पानी पानी है। हालात इस कदर बदतर हैं कि यहाँ रेस्क्यू के लिए सेना के जवानों को तैनात किया गया है, जो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुँचा रहे हैं। क्या असर हो सकता है, मैं मांडवी के इलाके में हूँ जो कि कच्छ में पड़ता है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरा इलाका कैसे डूब चुका है। मैं जरा कहूंगा अपने विजय सचिन से वो तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए एक तरफ हवाएं तेज चल रही हैं, कम से कम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ बारिश शुरू हो चुकी है, और तीसरी तरफ आप लोगों की समस्याएं देखिए। ये मांडवी का वो इलाका है जहां पर तकरीबन 400 से 500 लोग रहते हैं या इससे कहीं ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर आप ये तस्वीरें देखिए, और अगर बारिश होती है अब यहां पर अगर तूफान आता है तो क्या हो सकता है, ये सारी कहानी तस्वीरें बयां कर रही है। ये पूरा इलाका जो है वो इसी तरीके से जलमग्न है। आगे जाकर जैसा कि यहां पर स्थानीय लोग बता रहे हैं कि गले तक पानी भर चुका है। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं, आप अभी सामान लेकर भी आ रहे हैं, बताइए क्या स्थिति है सर अंदर? अरे गले गले तक पानी है, और यहां तक कोई भी अपने तंत्र वाला आदमी पूछा करने नहीं आया है। बाकी दूसरी जगह पे है वो कितने वहाँ स्पेशलिटी दे रखी है यार, ये हम गरीब एरिया है तो इसमें कुछ नहीं देगा। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी तूफान आ सकता है, अभी बारिश और हो सकती है, अगर बारिश और होगी तो फिर क्या हो सकता है यहाँ पे? बारिश होगी तो क्या होगा, ज्यादा पानी चढ़ेगा और क्या होगा, डूब जाएंगे सब। सिर्फ शहर ही नहीं पूरे कच्छ में इसी तरह के हालात हैं। एक तरफ भारी बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ समंदर से चल रही तेज हवाओं ने आफत काट रखी है। हाईवे पर जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, अंडरपास में पानी भरा हुआ है, तो कहीं पूरी की पूरी सड़क बह गई है। सिर्फ कच्छ का इलाका ही नहीं, ये हालात लगभग पूरे गुजरात के हैं। अगस्त महीने में गुजरात में इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है वो भी समझ लीजिए। भारत में मॉनसून बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता है। मॉनसून का रूट हर साल बिहार, यूपी होते हुए पंजाब और हरियाणा तक होता है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मॉनसून ने अपना रूट बदल लिया है। इस बार ये रूट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के रास्ते पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। अब सवाल है कि आखिर गुजरात में मौसम का पैटर्न क्यों बदल रहा है और इसके रूट बदलने की वजह क्या है? स्काईमेट की माने तो गुजरात और बाकी इलाकों में भारी बारिश की मुख्य वजह क्लाइमेट चेंज है। इन इलाकों में बारिश का पैटर्न भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पर इस बार 4 लो प्रेशर एरिया बने थे। इन सभी लो प्रेशर एरिया ने उत्तर के बजाय पश्चिम की ओर रुख कर लिया है। यही वजह रही है गुजरात के साथ महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हुई। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हिंद महासागर का जरूरत से ज्यादा गर्म रहना भी इसकी एक वजह है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी केरल और अब गुजरात में भारी बारिश देखने को मिल रही है। वैसे भी बारिश के इस मौसम में लो प्रेशर के सिस्टम बनते ही हैं, जिसकी वजह से सामान्य से ज्यादा बारिश होती है।
गुजरात के ज्यादातर इलाके के लोग भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से परेशान हैं, लेकिन बड़ोदरा में दूसरा ही खतरा मंडरा रहा है। विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ के साथ खूंखार मगरमच्छ शहर तक पहुंच रहे हैं, जिसके बाद लोगों की जान आफत में है। 10 फीट से ज्यादा लंबे ये मगरमच्छ अगर इंसान पर हमला कर दें तो जान बचाना नामुमकिन ही समझिए। इन मगरमच्छों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम तो एक्टिव है, लेकिन सभी मगरमच्छों को पकड़ पाना इतना आसान भी नजर नहीं आ रहा। वडोदरा में मगरमच्छों के खौफ के बीच हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। जेतरपुर इलाके के कुछ विदेशी पर्यटक बाढ़ के बीच फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू की टीम ने जीसीबी की मदद से होटल से सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान सभी विदेशी पर्यटक जेसीबी की सवारी का मजा लेते हुए दिखे। आफत के बीच मौज मस्ती की एक और तस्वीर भी बड़ोदरा से ही सामने आई। भीलवाड़ा इलाके में बारिश के बाद घुटनों तक पानी भरा हुआ है, लेकिन पूरा मोहल्ला पानी में ही गरबा करता हुआ नजर आया। गुजरात में हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद नजर बनाए हुए हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल हवाई दौरे कर रहे हैं, जबकि उनके मंत्री जमीन पर मोर्चा संभाले हुए हैं। वडोदरा में आई आफत के बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों से मुलाकात की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए दिखाई दिए। द्वारका में भी हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर पहुंचे थे और शहर की एक एक तस्वीर दिखाई थी, कैसे निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं, पुलिस थाने तक पानी पानी है। कुछ इलाकों में तो इतना पानी भर गया है कि वहां तक पहुंचना ही नामुमकिन है। ऐसे इलाकों तक रेस्क्यू टीमें पहुंच रही है। द्वारका में 1000 लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है, जहां उनके रहने और खाने का इंतजाम किया गया है। हालांकि अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पाई है और लोगों को इसी तरह की राहत का इंतजार है। गुजरात में तेज बारिश के चलते समुद्र तट से लगे द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर और बड़ोदरा समेत 11 जिलों में स्थिति खराब है, जो बारिश से और बिगड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो यही लालीना इफेक्ट है, जो आने वाले सितंबर महीने में सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को प्रभावित करेगा। NOAA यानी अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन ने इसका अनुमान मानसून से पहले ही जता दिया था। NOAA की स्टडी के मुताबिक प्रशांत महासागर में लालीना का असर जून से पहले दिखने लगा था। अनुमान जताया गया था कि जून से शुरू होने जा रहे मॉनसून में बारिश ज्यादा होगी। बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। अगस्त तक इसका असर बढ़कर 49% हो जाएगा, जबकि सितंबर तक लानीना का इफेक्ट 69% तक बढ़ सकता है। सितंबर का ट्रेलर जो अगस्त के आखिरी हफ्ते में दिखाई दे गया, यही वजह है कि बाढ़ के लिहाज से गुजरात को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वही मौसम के बदलते पैटर्न का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ओडिशा के कई इलाके अभी भी भारी बारिश के चलते जूझ रहे हैं। मलकानगिरी जिले में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति है। पिछले 3 दिनों से इलाके में बिना रुके बारिश हो रही है। नदियां उफान पर है, जिसके चलते पुल के 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश का भी है। बारिश और मॉनसून के इस पैटर्न से साफ है कि आने वाले दिनों में ना तो बारिश रुकेगी ना ही लोगों की मुसीबत कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।